Pia Srijesh, Krishan Pathak, Amanpreet Singh, Varun Kumar, Surrender Kumar, Gurinder Singh, Rupinderpal Singh, Amit Rahidas, Manpreet Singh, Captain, Nilakanta Sharma, Hardik Singh, Vivek Prasad, Lalit Upadhyay, SV Sunil is the Vice Captain, Mandeep Singh, Akashdeep Singh, Ramandeep Singh, and Simranjeet Singh. Sir, पहली बात तो मुझे लगता है कि हमें रशिया को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने आएंगे, तो वो भी अपना पूरा ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वो भी पूरा अपना यहाँ पे बेस्ट देंगे. तो यहाँ पे जो मैच होगा उसके ऊपर पहले फोकस किया जाए कि पहले टिकट हाथ में आ जाए, उसके बाद हम लोग जैसे एक नेक्स्ट ईयर प्रो लीग है उसके बारे में बात करेंगे. बट फिलहाल अभी यही है कि हम लोग पहले टिकट हाथ में लें, अपना पूरा बेस्ट करें. जो ये दो मैचेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें हर्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं चाहते हैं. तो हमारा यही फोकस है कि हाँ, कि उनको भी हम लोग जैसे दूसरी टीमों की तरह वैसे लेंगे. हमारा यही कि मैच के ऊपर पूरा फोकस रहेगा. सर, ऐसे कि हाँ, मैं बात मानता हूँ कि हाँ, कि जो हमारा लास्ट टूर था जैसे कि बेल्जियम टूर था, उसमें काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा. जैसे हम लोगों ने स्पेन के साथ मैचेस खेले, बेल्जियम के साथ मैच खेले, तो काफ़ी अच्छा रहा. जो पूरी टीम थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पे. बट ऐसा है कि सर, ये क्वालिफाई राउंड आ जाएगा ना, तो सर वो भी टीम रशिया आ रही है कि उनको भी है कि हमें क्वालिफाई करना है ओलंपिक के लिए, क्योंकि ओलंपिक छोटा इवेंट तो है नहीं. ओलंपिक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ पर हर टीम चाहती है कि क्वालिफाई करें. तो लास्ट टाइम जून में था तो काफ़ी जो वेदर था उनके अगेंस्ट था, तो बट इस बार देखा जाए तो नवंबर में जो वेदर होगा वो भी थोड़ा उनके हक में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है. तो यही है कि हमें उसको अंडरएस्टिमेट ना करना है, जैसे मैं पहले ही बोला है. तो क्योंकि ये जो मैचेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, तो हमारा यही है कि उनको लाइट ना लें, जो हमारा बेस्ट है उसके ऊपर ही फोकस करें. जितने गोल कर सकेंगे वो हमारी टीम के लिए अच्छा रहेगा.